अगर आपके बच्चे का JNV में सिलेक्शन हो गया है तो सिलेक्शन होने के बाद जब आपके बच्चे ने JNV में जाना है तो वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आप जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं ये आप पहले बनवा लीजिए, इसमें से कुछ एक डॉक्यूमेंट्स पहले बनेंगे कुछ एक बाद में। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊँगी वो डॉक्यूमेंट्स आप टाइम से बनवा लीजिए ताकि टाइम से आपके बच्चे की एडमिशन JNV में हो सके। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है बच्चे का आधार कार्ड। बच्चे का आधार कार्ड पहले से ही बना होगा तो आप लोगों ने बच्चे का आधार कार्ड रेडी रखना है। अगर आधार कार्ड पे किसी टाइप का कोई करेक्शन होना है तो वो आप पहले ही करवा लें। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र। जो ये आय प्रमाण पत्र है ये माता पिता का आय प्रमाण पत्र बनाना है, क्योंकि JNV में जिन पेरेंट्स की इनकम कम है उन बच्चों को कम फीस देनी पड़ेगी। जो हमारे पास 6th to 8th वहाँ तो कोई फीस लगेगी नहीं, लेकिन बाकी क्लासेज में आगे फीस लगेगी। तो इसीलिए आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना है, किसका, पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। और इसके बाद जो हमारे पास है ये है निवास प्रमाण पत्र, हम लोग कह सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये बच्चे के नाम से बनाना है, ये ध्यान रखना है, बच्चे के नाम से बनाना है आप लोगों ने। बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी इसको बोलते हैं, रेजिडेंट प्रमाण पत्र या डोमिसाइल या फिर निवास प्रमाण पत्र। इसके बाद जो ये जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी बच्चे के नाम से बनाना है, क्योंकि बच्चे SC OBC ST जनरल को तो बनाने की ज़रूरत नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि उनको किसी टाइप का आरक्षण नहीं है, लेकिन SC OBC को आरक्षण है। तो कास्ट सर्टिफिकेट भी बनाना ज़रूरी है अगर आप SC OBC हैं। इसके बाद आपको मार्कशीट्स चाहिए, कौन कौन सी क्लास की, 3rd, 4th और 5th की। इसके बाद आपको चाहिए विकलांगता प्रमाण पत्र। अगर हैंडीकैप्ड है बच्चा तो हैंडीकैप बच्चों को भी आरक्षण है, तो हैंडीकैप का जो प्रमाण पत्र है वो आप बना सकते हैं। आपने ध्यान रखना है कि इस प्रमाण पत्र के ऊपर CMO के जो सिग्नेचर है वो जरूर चाहिए, तभी आपका ये सर्टिफिकेट आगे चलेगा। इसके बाद रूरल सर्टिफिकेट, ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र। जो ये रूरल सर्टिफिकेट है इसका मीनिंग है कि जो विद्यालय है क्या वो रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है। अगर आपका विद्यालय ग्रामीण एरिया में है तो ये प्रमाण पत्र खंड शिक्षा अधिकारी BEO बना सकते हैं। इसके बाद TC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जब बच्चे की वहाँ एडमिशन हो गई तो TC आप लेकर जाएंगे नए स्कूल के लिए। अब जो ये मेडिकल सर्टिफिकेट है ये बाद के डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आप विद्यालय में जाएंगे उसके बाद जो कुछ एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए वहाँ एडमिशन करने के बाद, जब आपको वहाँ बुलाया जाएगा तब मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है बेटा, मेडिकल सर्टिफिकेट। वहाँ डॉक्टर्स की टीम होगी, वो बच्चे का मेडिकल चेकअप करेगी, तो ये वही बन जाएगा। एफिडेविट, शपथ पत्र, इसमें लिखा होता है कि जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए, तो ये एफिडेविट आपको बता दिया जाएगा कि किस टाइप का मटेरियल एफिडेविट के ऊपर लिखवाना है, तो आप ये बनवाइएगा। उसके बाद फोटोज़ चाहिए, पेरेंट्स की फ़ोटो चाहिए, बच्चे की फ़ोटो चाहिए और गार्डियन की फ़ोटोज़ भी चाहिए। जैसे आप बच्चे से मिलना जाना चाहते हैं या बच्चे को घर लाने के लिए जाना चाहते हैं या कोई लोकल गार्डियन है जो वो वहाँ पर बच्चे को मिलना जाना चाहता है, तो फिर वहाँ फ़ोटोज़ लगी होंगी कि कौन कौन बच्चे को मिलने आ सकता है या बच्चे को स्कूल से ले जा सकता है, तो फ़ोटोज़ भी लगेंगी। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जब आपके बच्चे का एडमिशन वहाँ हो जाएगा तो जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा होगा उस विद्यालय को जो है ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देना होता है, जो बाद में आप लोग नवोदय स्कूल में जाकर सबमिट करवा सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग स्थानांतरण प्रमाण पत्र। ये वाले डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बाद में चाहिए और ये जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स मैंने ऊपर दिखाए हैं ये आप लोगों को पहले चाहिए। तो आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहिए। अगर आपके बच्चे का पूरा जो चांस है, यहाँ तक TC बाद में इशू कराना है जब उसकी एडमिशन वहाँ हो जाती है, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, आप आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल कार्ड सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका जो है विकलांगता प्रमाण पत्र, आपका ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र, रूरल सर्टिफिकेट, इन सारे सर्टिफिकेट्स को आप पहले ही रेडी रखिए ताकि बाद में आपको जल्दबाजी ना करनी पड़े ये सर्टिफिकेट्स बनाने में, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम से रेडी रहें। वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Thanks for watching.